दोस्तों आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइप एवं टंकी वाले सवाल। पाइप एवं टंकी वाले जो सवाल है उनका कॉन्सेप्ट वही है टाइम एंड वर्क जैसा, समय एवं कार्य में जैसे करते थे हम कि एक आदमी किसी काम को 12 घंटे में करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पर क्या है, काम खत्म भी होता जा रहा है। जैसे काम कोई आदमी करता है तो वो तो करेगा ही, प्लस में करेगा, माइनस में तो करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक नल जो है वो टंकी भरता है और दूसरा खाली करता है, तो यहाँ पर समस्या आ जाती है। तो ये समस्या जो है इस वीडियो में आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या होता है, एक हम मान लीजिए एक नल है ना, एक नल किसी टंकी को एक्स घंटे में भरता है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कुछ नहीं करना है। एक नल जो है किसी टंकी को एक्स घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, वो एक बटे एक्स भरेगा, ये तो आपको पता ही पहले से। एक नल जो है वो खाली कर रहा है, एक नल खाली कर रहा है कितनी देर में, वाई घंटे में, ठीक है। तो वो एक घंटे में कितना खाली करेगा, एक बटे वाई है ना, एक घंटे में एक बटे वाई खाली करें। जब बात दोनों की आ जाती है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए, तब क्या करेंगे आप, तब आपको क्या करना है, मान लीजिए एक्स और वाई दोनों नल एक साथ खोल दिए है ना, ये एक्स घंटे में भर रहा है और दूसरा वाई घंटे में भर रहा है, दोनों एक साथ खोल दिए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, भरने में है ना, भरने में कितना समय लगेगा ऐसा पूछ रहा आपको, तो एक घंटे में भरेगी टंकी, भरेगी कि ये तब की कंडीशन है जब एक्स छोटा हो, यानी मान लीजिए ये दो है और ये चार है, ये दो घंटे लगा रहा है और ये चार घंटे लगा रहा है, तब की कंडीशन है। तब क्या करेंगे आप, एक बटे एक्स माइनस एक बटे वाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स है छोटा वाई से, ठीक है, एक्स है छोटा वाई से। दूसरी कंडीशन ये आती है जब वाई बड़ा हो, सॉरी वाई छोटा हो, है ना, यानी कि वाई जो है कम समय लगाता है टंकी खाली करने में, वाई टंकी खाली कर रहा है चार घंटे में, एक्स टंकी भर रहा है दो घंटे में, है ना, यानी इसको ज़्यादा समय लग रहा है टंकी खाली करने में, तो एक्स जो है पहले भर देगा, भले कितनी देर पहले भरे, दो घंटे पहले भर देगा। अब बात आ रही है कि भैया ये तो है दो घंटे और ये है चार घंटे, मतलब ये चार घंटे लगा रहा भरने में और ये खाली करने में दो ही घंटे लगा रहा, तब जो है एक घंटे में टंकी कितनी खाली होगी, एक घंटे में टंकी कितनी खाली होगी, एक बटे वाई माइनस एक बटे एक्स, है ना, एक बटे वाई माइनस एक बटे एक्स, और यहाँ पर जो है वाई छोटा है एक्स से, ठीक है। दोनों चीज़ अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सवाल करेंगे हम आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन देखो, एक नल जो है, एक नल दो नल है ए और बी, दो नल है ए और बी, ये नल किसी टंकी को कितने देर में भरते थे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर देते हैं, 12 घंटे में भरता है एक तो, है ना, और दूसरा भरता है 15 घंटे में, ठीक है। एक नल 12 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में भरता है, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि एक आदमी किसी काम को 12 घंटे में करता है, दूसरा 15 घंटे में, तो हमने क्या सीखा था, यहाँ आप चाहो तो 1/12 प्लस 1/15 वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, 60 इनका लघुत्तम आ जाएगा, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, और ये हो जाएगा 11/60, यानी कि उल्टा कर देंगे, ये एक घंटे कार्य है, यानी कि पूरा काम करने में कितनी देर लगेगी, 60/11, तो 11 कर देंगे 5 बार, 11 × 5 = 55, पाँच और 4 = 9, 9 से काटेंगे 9 × 6 = 54, 6 बचा है ना, 6/9 हो गया, तो ये 2/3 यानी कि 6 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या रहता है, आप यूनिट से कर सकते हैं, कैसे, 60 और 15 और 12 का लघुत्तम लीजिए, 60 आया, यानी कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है, यानी टंकी की धारिता मान लीजिए 60 लीटर की टंकी। अभी भी ये जो है, ये एक घंटे में कितना, 12 का 60 में भाग देंगे कितना आएगा, 5, 12 × 5 = 60, यानी ये 5 लीटर भरता है पहला नल, और ये 15 × 60 है तो दूसरा नल भरता है 4 लीटर, ठीक है। अब हमारे पास इनका एक घंटे काम आ गया कि ये एक घंटे 5 लीटर भरता है और ये 4 लीटर भरता है, ठीक है। अब 5 और 4 = 9 लीटर हो गया, अब पूरा 60 लीटर पानी है एक घंटे में 9 लीटर भर रहा है दोनों मिलके, तो कितनी देर लगेगी इनको, 9 × 6 = 54 और ये 40 मिनट, ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट, यह है सिस्टम। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इनको भी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6 घंटे 40 मिनट। अब दूसरा देखना, थोड़ा सा अलग है ना, इंटरेस्टिंग है। दूसरे में क्या है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है, एक पाइप कितने घंटे में भरता है, 3 घंटे में इसको भर देता है, ये तो भरने वाला हो गया है ना, ये भरने वाला हो गया 3 घंटे में। अब दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली करते हैं, है ना, हमेशा भरी टंकी की बात आएगी,
हमेशा जो खाली करेंगे वो, देखिए भरने वाला क्या होगा, खाली टंकी को 3 घंटे भरा, और खाली करने वाले भरी टंकी को इतनी देर में खाली करते हैं, ठीक है। तो दो नले जो खाली करते हैं, खाली करने वाले दो नले, एक है जो 6 घंटे में खाली करता है और दूसरा है वो 10 घंटे में खाली करता है। अब मान लो तीनों नलों को एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब ये हमें डिसाइड करना है कि टंकी भरेगी या खाली रह जाएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों का काम जो है, अगर ये दोनों एक साथ खोले, तीनों को एक साथ खोल दिया, तो अभी हम अगर दोनों को एक साथ खोलें तो ये 3 घंटे से अगर कम टाइम लगाते तो भी टंकी तो भरी नहीं पाएगी, है ना। तो इनका देख लेते हैं, दोनों का यूनिट निकाल लेंगे। 30 लीटर मान लीजिए टंकी की धारिता है इनके हिसाब से, है ना, 6×5=30 और 10×3=30, यानी कि दोनों 5×3=8 लीटर पानी 1 घंटे में खाली करते हैं, समझ में आया। या तो आप 1/6 + 1/10 से कर लो, है ना, दूसरा इस टाइप से कर लो, 5×3=8, 8 का भाग देंगे तो 8×3=24 और 6/8, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, है ना, यानी कि 3 घंटे और कितने देर लगे इनको, 45 मिनट, ठीक है, कितनी देर लगी, 45 मिनट। तो इसको हम ऐसे नहीं निकालेंगे, अभी हमें बटे में चाहिए, क्या किस में चाहिए, बटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटा 15 और ये 4 15/4 घंटे में ही रहने देंगे इसको, क्योंकि क्यों, अभी हमारे पास यहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसको। अब ये 15/4 घंटे लगा रहे, यानी कि कितने, 3 घंटे 45 मिनट लगा रहे, ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको खाली करने में, यानी कि पहले भर देगा। अब देखिए, दो तीनों को साथ खोलने की बात हुई थी, इसको अब इसमें से हम घटाएंगे, यानी 1/3 - 1/4/15, ठीक है। नहीं, अब ये 15/4 घंटे में खाली कर रहा है, तो हम 15/4 यहाँ पर लिखेंगे, 1/15/4, 4 से लाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये होगा 4/15, ठीक है। 1 घंटे का काम है इसका, 4/15 कितना, टोटल कितने, 15/4 घंटे में खाली करता है, है ना, 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/15/4, तो 4 से लाएगा ऊपर, है ना। एक्स का 1 घंटे काम कितना, 1/3, लघुत्तम लिया 15 आया, 3×5=15 - 4 15 = 15 ही रहेगा, यानी कि 1/15, कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में, क्योंकि ये भरता जा रहा और ये खाली कर दे जा रहा, ये भरता जा रहा ये खाली कर दे जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। तो टोटल 15 घंटे लगेंगे जब तीनों को साथ खोल देते तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, दो नल ए बी, दो नल है फिर से, और भैया डेली शाम को 8 बजे लाइव आ जाया करें, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, लाइव आ जाया करें 8 बजे, तुम्हारे लिए लाइव आता हूँ मैं। दो नल ए और बी पानी की टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं। कितनी देर में, ए और बी है ये 20 मिनट में और दूसरा 24 मिनट में भर देता है। क्वेश्चन है कि एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोले तो 15 मिनट लगते हैं। अगर ए प्लस बी और प्लस सी करें तो 15 मिनट लगते हैं टंकी को भरने में, है ना, टंकी को भरने में। टंकी की धारिता क्या है, ठीक है, टंकी की धारिता क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का निकाल लेंगे कि ये दोनों मिलकर टंकी को कितने देर में भर देते हैं, ठीक है, और फिर 15 में से इन दोनों का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा कि सी टंकी खाली करने में कितनी देर लगाता है, ना, तो हमें टंकी की धारिता पता चल जाएगी। देखना, 20 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 120 आएगा, है ना, 20 पंच कितना आ गया, 120 नहीं, 20 छंगे 120 और 24 पंच, तो ये हो गया इतने घंटे लग रहे हैं इनको टंकी भरने में, ठीक है। 6/5, ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ये 5 लीटर भरता है। अभी की कंडीशन में हमने 120 लीटर मान लिया टंकी की धारिता, है ना, तो ये हो गया 120/11, ठीक है, टंकी की धारिता भी। चलो अब 15 मिनट इसके लग रहे हैं तीनों के, तो अब हम 15 में से घटा देंगे, 1/15 - 11/120, ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा कर दिए, इसको मिनट आएगी ना, इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा, 1/120/11 ऊपर चला जाएगा। अभी किया हमने ऐसा, 120 लघुत्तम लिया, है ना, 15 8 तो ये 8 माइनस ये का 1 तो 11 है ना, यानी कि कितना आया, 3/120। अब
देखिए मिनट कभी भी माइनस में नहीं होगी, ना धारिता माइनस में होगी, है ना। तो यहाँ पर माइनस कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब यह कितना आ जाएगा, 1/40, यानी कि 40 मिनट लगते हैं ये भाई को टंकी खाली करने में, किसको, सी को। देखिए हमारे पास अभी ए और बी का आ गया था 120/11 मिनट, है ना, इसका दिया है 15 मिनट में ये टोटल भर देता है, है ना। तो अब ये इतनी देर में भरता है, ये 15 मिनट इसलिए लग रहे क्योंकि सामने वाला खाली भी तो कर रहा है। तो सी जो है ये 40 मिनट में खाली करता है पूरी टंकी को। अब वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है, तो 40 मिनट में कितना निकालेगा, 40 × 3 यानी कि 120 लीटर, ठीक है। ये लघुत्तम हमारा गलत नहीं आ रहा, 120 लीटर पानी निकालता। हमें यही पूछा था कि भैया टंकी की धारिका कितनी है, तो 120 लीटर जब 40 मिनट में खाली कर देता है। नेक्स्ट देखो, एक आध क्वेश्चन और है, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी कॉन्स्टेबल में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉन्स्टेबल में और भी जो सी ग्रेड एग्जाम होती है। 3 नल ए बी सी है, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी कितने देर लगते हैं, इनको 6 घंटे लगते हैं। इकट्ठा खोल दिया, है ना, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। 2 घंटे बाद क्या है, सी को बंद कर दिया, यानी 2 घंटे तक चले ये, ठीक है। और ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा। ए प्लस बी ने कितनी देर में भरा, 7 घंटे में भरा शेष भाग को। अकेला सी द्वारा कितना समय लगेगा, अकेले सी को कितना समय लगेगा। अब ना तो हमारे पास ए और बी का पूरा टाइम है कि ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने में भरते, 3 नल एक टंकी को 6 घंटे, मतलब ये तो भरने भरने वाले। अब देखिए 2 घंटे ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, इन्हें कितना काम किया, 1/3 काम किया। देखिए पूरे कितना, 6 घंटे, 6 घंटे में टंकी भर रही थी, है ना। अब पूरी जो टंकी है 6 भाग है, ठीक है ना, 6 भाग मान लेते हैं हम। 2 घंटे अगर काम किया, 2/6 यानी कि 1/3, 1/3 भाग जो है वो भरा गया, बचा कितना, 2/3 भाग। अब 2/3 भाग, देखिए हर चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, आपको भाग निकालना याद होना चाहिए, हो सके तो परसेंटेज भी, और पूरा याद होना ही चाहिए आपको। 2/3 भाग को 7 घंटे में भरते हैं ए प्लस बी, याद है ना। बाकी बची टंकी को ए प्लस बी 7 घंटे में भरते हैं, यानी कि 2/3 भाग को 7 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तो पूरा एक भाग को कितनी देर में भरेंगे, तो 7 × 3 का उधर गुणा आएगा 21/2 घंटे में। कितनी देर में भरेंगे, 21/2 घंटे में। अब देखना, दिमाग लगाना, पूरी टंकी 6 घंटे में भरती जब ए प्लस बी प्लस सी खोल देते हैं, और पूरी टंकी ए प्लस बी भरते हैं 21/2 घंटे में, तो हम सी का नहीं निकाल सकते का, बिल्कुल निकाल सकते। 1/6 किया आपने, माइनस 21/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे रहेगा, ठीक है। 42 आ गया आपका लघुत्तम, और 6 × 7 = 42 माइनस 21 − 42 तो 2 × 4 यानी कि 3/42, ये काटा तो 1/14, है ना, यानी कि 14 घंटे लग रहे हैं पूरी टंकी भरने में सी अकेले को। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे, अरे नहीं समझे तो क्या फिर बताओ आप, समझना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बहुत ही अच्छे से, मतलब हद ही कर दी मतलब तुम लोगों ने। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, आई होप, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो लाइक जरूर करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए होंगे आप लोग बहुत सारे लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना, अरुण पटेल ऑफिशियल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए किसी होज को 20 मिनट में भरता है। ए नल है, कितनी देर लगाता है, 20 मिनट लगाता है किसी होज को भरने में, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है। ये क्या है, दगाबाज, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकाल रहा है ये, है ना, और इसको कही भी नहीं इसने, नहीं की, क्योंकि ये नीचे वो ऊपर दिख ही नहीं रहा किसी से, कोई संपर्क नहीं, आउट ऑफ संपर्क। तो पूर्णतः खाली होने में दोनों नल खोले तो 100 मिनट में टंकी भरती है। पूर्णतः खाली होज में दोनों नल खोले तो 100 मिनट में होज भरता है, मतलब पूरी जो खाली होज है उसमें दोनों नल खोल दे तो 100 मिनट लगते, कितने मिनट, 100 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो होज की क्षमता, अब देखिए यहाँ पर ए जो है 20 मिनट में भर देता है, अगर बी को भी खोल दें, यानी कि एक साइड से भर रहा दूसरे साइड से खाली कर रहा, तो 100 मिनट लगेंगे पूरा होज भरने में, यानी ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि वो खाली भी करता है यार। तो देखिए वो कितना, कितनी देर में पूरा होज खाली करता है ये हमें निकालना है, तो हम होज की धारिता निकाल लेंगे। तो 1/20 में तो ये भरता है,
और टोटल जो है 1/100 है ना, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, पूरा जो है वो घटेगा क्योंकि ज़्यादा है तो इसमें से घटे, या फिर इसमें से इसको घटा दो, आपको माइनस ध्यान नहीं देना बस, ठीक है ना। सो यहाँ पर आया लघुत्तम 2500 माइनस 1 यानी कि 4/100, 4 से काटा तो 25 है ना, 1/25 यानी कि 25 मिनट, ठीक है। 25 मिनट में सामने वाला ये जो बी है ये पूरी टंग पूरे होज को खाली कर देता, फिर भी 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भले 1 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, और सामने वाला उसमें से कितना पानी 750 लीटर खत्म कर देता, 750 ml, फिर भी 250 ml तो बच गया टंकी में से, बढ़ती आगे धीरे धीरे टंकी, है ना। अब क्या हो रहा है, बी जो है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है, तो धारिता हमें निकालनी, तो यहाँ पर 25 मिनट है, इसको सेकंड में बदल लेंगे तो 25 × 60 यानी 1500 सेकंड लग रहे हैं इसको, और 5 लीटर प्रति सेकंड से भरता खाली करता है तो 1575 यानी 7500 लीटर, ठीक है। तो अगर धारिता वाले क्वेश्चन आते हैं तो 2 धारिता मैंने वाले करा दिए हैं, और ये नल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ए प्लस बी भरता है, एक भरता है बी खाली करता है, ए प्लस बी भरता है सी खाली करता है, धारिता क्या है, 4-5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, आप होप आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो चैनल पर ज़रूर विजिट करना है, जितने भी लोग MP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दूसरी एग्जाम्स की, और चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं वो देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।